इंदौर सावर विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू द्वारा कंचनबाग स्थित होटल साउथ एवेन्यू इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई बड़ी जानकारियां दी। गुड्डू ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान हमें यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा त्यौहार सावन का महीना होता है। इस महीने में श्रद्धालु शिव मंदिरों में भगवान की पूजा के साथ अभिषेक भी करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण के कारण मंदिरों के द्वार बंद है, जिसके चलते श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा और अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए पूरे सावेर विधानसभा क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना का महोत्सव शुरू किया जा रहा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव के संकल्प के साथ पूरे क्षेत्र को 60 सेक्टर बांटा गया है। जो नागरिक अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करना चाहते हैं, उनका पंजीयन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 65,000 पंजीयन हो चुके हैं और 71,000 पंजीयन का लक्ष्य है। गुड्डू ने आगे बताया कि सोमवार से हर दिन 50 में से 12 सेक्टर में सामग्री वितरण का कार्य किया जाएगा। इसमें पहले दिन कई गाँव में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अंत में उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप न दे। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। हम लोग क्षेत्र में भ्रमण पे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो उस दौरान ये बात निकल के आई कि सावन के महीने में बाबा महाकाल के वहाँ पे भी कुछ प्रतिबंध है। कांवड़ यात्री, धर्म आस्था वाली जनता है हमारे क्षेत्र में, तो कांवड़ यात्रा भी, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग भी घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा कि 51,000 शिवलिंग घरों में हम स्थापित करवाएंगे, उसकी सब सामग्री भी देंगे, और जिससे कि जो पूजा पाठ जो होता है वो अपने घरों में अच्छी तरीके से कर सकें और बाबा महाकाल हमें और उनको ताकत दे इस महामारी से लड़ने की। और साथ साथ हम लोगों ने जब ये रजिस्ट्रेशन हमने करवाया तो कल तक हमारे गुरुवार की शाम तक थे, तो करीब 65,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 65,000 से अधिक। तो ये लक्ष्य हम लोगों ने बढ़ाया है, 71,000 किया है, 71,000 शिवलिंग हम घरों में स्थापित करेंगे, उसकी पूजा की सामग्री देंगे। एक एक घरों में हमारे लोग जाएंगे और उनको पूजा की विधि विधान सब चीज़ें समझाएंगे और लिखित में भी देंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है, वो राजनीतिक किसी भी रूप से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और ना हम लोग इसको राजनीतिक करना चाहते हैं। बाबा महाकाल इनकी स्थापना हो और हमें लड़ने की शक्ति दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।